ये भी देखेंगे लास्ट में, ये जो 10 फ्रेग्रेंस है अगर एक पिक करना हो तो हम कौन सा पिक करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। सो गाइस ट्राई करते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस। और नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है ये है रोशा परफॉर्म्स का, और ये है इसोला ब्लू। और ये परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में आता है। और किस किस का फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है? ये कवर भाई का, इनका और आशीष भाई ने ट्राई किया हुआ है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कवर भाई से। ओ मैन, नो प्रेशर। यू लव इट सिंस आई थिंक यू लाइक व्हाट दिस इज ट्राइंग टू डू। Very complex. After 10 minutes. Very complex. I know he likes that. Lot of ingredients. Can I also get the bottle, please? Yeah, sure. I want both. Sure. Hold it. TDH. Yes. Right. Plus something more. Right. Like TDH plus 20% more. Right. On first impression, really like this. Yeah. It's Isola Blue. Very good, but I don't know if I want to give it a rating right now. Mm-hmm. Okay. Very complex fragrance. Very complex. We can talk about ratings at the end when everybody has spoken. But we are in a hurry, so we must give a rating whether I like it or not. Eight on first impression. दुबई नहीं आ रहा हवा में थोड़ा बहुत अच्छा। दुबई जो अच्छी स्मेल आती है उनकी। अब आ रहे हैं सिट्रस इसमें है। यस, इट हैज सिट्रस। इट हैज सिट्रस इन द ओपनिंग। ओपनिंग में सिट्रस इज ब्यूटीफुल। सिट्रस वेरी हाई क्वालिटी एंड दे चार्ज यू वेल फॉर इट ऑफ कोर्स। 8 out of 10 नाउ आशीष भाई आप। So I figured, okay, what is this trying to do? This is trying to be a modern Terre d'Hermès, which is something I have really tried to like, but मैं कभी Terre d'Hermès को इतना पसंद नहीं कर पाया। मेरे घर पे मेरे brothers को बहुत पसंद है। Somehow मुझे Terre d'Hermès थोड़ा सा ऐसा लगता था हमेशा कि it's overplayed now. Forgive me, I know there are a lot of lovers for that fragrance. But वो मुझे उसमें थोड़ी सी modern feel miss करती है। इसमें वो थोड़ी सी मॉडर्नेस है, क्योंकि इसमें जो Terre d'Hermès की जो अर्दीनेस है ना, जो फ्लिंट जो इंडिया में जो हम सब बड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हम सबके घर के आजू बाजू थी, वहाँ जो रोड़ी पड़ी होती थी और वो रोड़ी पे जो पानी मारा जाता था उसकी जो खुशबू आती थी फ्लिंट, वो मुझे Terre d'Hermès स्पेशली उसके परफॉर्म वर्जन में वो मुझे हमेशा आता था। इसमें थोड़ा उसको क्लीन कर दिया है और इसमें थोड़े से स्पाइसेस और एडअप कर दिए हैं। और एक जो चीज मुझे Terre d'Hermès में और खलती है वो somehow ड्राई डाउन में कभी कभी उसका जो ऑरेंज नोट है ना किसी किसी फ्लैंकर्स में वो थोड़ा कैंडीश हो जाता है, तो वो भी इसमें नहीं है। बट वो सब चीज़ों के लिए आपको फिर बहुत हेफ्टी प्राइस भी देना पड़ता है इसके लिए, विच इज आई थिंक दिस 50 ml इज आई डोंट नो फॉर व्हाट 20,000 30,000 आई डोंट नो। अगर MRP की बात करें तो वेरी एक्सपेंसिव। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस लास्ट। I have a very small beast mode fragrance it is, and अगर मैं इसकी बात करूं तो 50 ml की क्वांटिटी में आता है, बट इसके 2-3 स्प्रे ही एनफ है आपके। I've seen reviews from some of the other female reviewers who thought this was the current epitome for, you know, like sexy masculine fragrances. Exactly. I'm not so sure whether I feel the same way about it. But it's good. If you like TDH, give it a shot. Rating? It's a 7 for me. 7 for you. Pretty good. आपने कितना रेटिंग दिया था? 8. 8 और 8. 8. और अगर मैं इसकी बात करूं तो very easy to wear. वेरी अब मैं इसकी सिंपल बताऊं तो ये एक फ्रेश काइंड ऑफ फ्रेगरेंस है। फ्रेश ग्रीन वेटिवर बेस्ड फ्रेगरेंस है और समर बेस्ड फ्रेगरेंस है। स्टार्टिंग में आपको इसके अंदर आपको मिलेगा लेमन का नोट है, कोकोनट का भी इस्तेमाल किया गया है, शायद अभी नहीं आ रहा है, ट्रांजिशंस होंगे कुछ देर बाद। ड्राई डाउन में सही बोला, मुझे भी जो मैंने पिक किया है Terre d'Hermès का जो इसमें DNA है कहीं ना कहीं वो मुझे भी मिला है इसके अंदर, जो स्किन पे थोड़ा सा ड्राई डाउन में आता है। और लास्टिंग की बात करूँ 12 प्लस आर स्किन पे लास्ट करता है आराम से। और कपड़ों पे अगर मैं बात करूँ तो एजेस जाएगा ही नहीं। उस तरीके का जो आइडिया था इसका, सारा ट्रॉपिकल और वुडी वेटिवर ऑकमोस भी है इसके अंदर, उस तरीके की फ्रेगरेंस है ये। रोजा का है तो क्वालिटी बहुत बेटर होगी, परफॉर्मेंस बेटर है इसकी। और नीश लवर जो है, जो नीश ही रखना चाहते हैं अपने कलेक्शन में, वेरी फास्ट रेटिंग, मैं इसको
8/10 दूंगा. ठीक है. तो ब्लाइंड बाय नहीं है, ट्राई करो फिर बाय करो. और इसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आंख बंद करके टीडीएस 5000 में ब्लाइंड बाय है, 25000 में यार नहीं है. तीन लोगों ने 8 दिया है, एक ने 7 दिया है. अगर आपको टीडीएस पसंद है, उसका नीश टाइप खरीदना है तो ये है, वैसे है खरीदो. इसोला ब्लू है और आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. सीधी बात, नो बकवास. तो इन शॉर्ट, अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ये ले लीजिए, नहीं कर सकते तो RMS का टेरिटरी RMS आता है, वो आंख बंद करके ले सकते हैं. ये ही वाइब आएगी आपको इसके अंदर. सो गाइज, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो इस लिस्ट में है ये है निशाने का वेरी पॉपुलर आनी. और ये आशीष भाई लेकर आए हैं और मैंने ये ट्राई किया हुआ है फ्रेग्रेंस. वैभव ने भी किया हुआ है ट्राई. आपने नहीं? कभी नहीं किया. नाम भी नहीं सुना. I'm actually quite intrigued. अब बताना नहीं. You give spoiler too much, bro. No spoilers now. Okay. You usually have off track. Yeah. Let's see what I think. So मैं चाहता हूँ सबसे पहले cover by try करें. Thank you so much for the honor. First impression हो रहा है इनका ये. Oh my god. You're right. Oh man. Wow. You getting nose gas? I just feel like this is. You want to eat paper? मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी वेरी अल्यूरिंग, वेरी वेरी, इट्स पुलिंग मी टू इट्स ओन डायरेक्शन एंड इट्स नॉट एंडिंग. इट्स लाइक गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. आई एम वॉकिंग थ्रू अ कॉरिडोर ऑफ फ्रेग्रेंसेस एंड स्पाइसेस. मैन, यू हैव टू लव दिस मैन. देयर इज नो ऑप्शन. It's not an option. Rating? What do you get? are you getting first? What is this? He's lost. I'm lost. Honestly, I'm lost for words. So, do you know what you're getting? I don't even want to think about that because I just want to keep going in this direction, you know? As just a pure perfume lover, as a person who's enraptured by it, you know? So guys, rating 9. 9, okay. 9, I'm just still rocked. Wow. Sorry. I'm still drunk. Would you wear it? When would you wear it? I don't know. I wear it all the time. I'm a very अपने लिए पहनता हूँ मैं fragrances. ना कि किसी को खुश करने के लिए कि मेरे को लड़की compliment दे दे. सब नहीं. दे दे तो bonus है. तो well and good. दे तो bonus है और लगेगा और अच्छा लगेगा हमको. But why यार? This is the most classy fragrance अभी तक हमने यहाँ पे try करी है. मतलब इसको पहन के जाओ बॉस सूट बूट के साथ पार्टी में एंड यू विल रॉक द पार्टी. एकदम बहुत पाड़ू तोड़ू फोड़ू एकदम बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस लगी मेरे को. भीड़ से अलग कर देगा आपको ये फ्रेग्रेंस. मेरे को ना इसमें आ रहा है, आई डोंट नो, कभी कवर भाई को ज़्यादा पता होगा, स्कॉच आती है उसमें भी, एक आती है अमेरिकन वाली, एक आती है विस्की आती है. जैक डैनियल्स, बर्बन, मेकर्स मार्क, जिम बीम, जैक डैनियल्स. अपनी वाइफ के ऊपर इसे लगा हुआ बहुत अच्छा. रेटिंग 9. 9? और आशीष भाई आप बताइए अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपकी ही बॉटल. Yeah, I know the bottle. But the moment I smelled it, I was like, okay, this is very uplifting. इसमें शुरुआत में आपको कार्डमम आती है. There's tons of vanilla in this. There is cardamom, there is ginger. It has Turkish rose. इसमें रोज जो है वो टर्किश है. रोज बहुत हल्का सा इसमें आता है. Not prominent. और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्मेल किया तो मुझे लगा कि यार, you know, like I said, मेरी आदत है कि मैं यही सोचने लग जाता हूँ कि ऐसा मैंने और क्या सुना है. तो फर्स्ट टाइम जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो रिमाइंड करा रहा है, इवेंचुअली फिर मुझे याद आया, it's a bit like, it's your bottle. Yes. Of course you'll be able to tell. It's a bit like, कहीं ना कहीं इट विल रिमाइंड यू कि इसमें सेड्रा बॉयजे है. सेड्रा बॉयजे, और सेड्रा बॉयजे के साथ इसमें बहुत ज्यादा एम्ड अप वनीला है. और इसका वनीला तो बिल्कुल ऐसा लगता है as if, you know, it's a cup of vanilla ice cream, जिसमें वो वनीला ice cream ना जमी हुई नहीं है, पिघल गई है. परफॉर्मेंस कैसी है? न्यूक्लियर, इट इज न्यूक्लियर. लॉन्जेविटी, ये अपना ब्रिज बना लेगा. आपके हाथ पे लगाया तो हाथ से लेके नोज तक वो कॉन्स्टेंटली आपको एक्सपीरियंस करते रहेगा. अभी जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम जस्ट शॉक्ड. आपकी रेटिंग, आपकी रेटिंग. For you go ahead first. आप इसकी रेटिंग आप दे रहे, आप तो आपको 9 for me. 9 for me. 9. मुझे ये थोड़ा सा वुडी स्पाइसी भी लगता है. हाँ ठीक है, इसमें जिंजर का नोट है, कार्डमम का नोट भी मुझे इसमें आता है. जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टर्किश रोज भी है,
जिसको थोड़ा बहुत कहीं ना वेनिला इसके अंदर, तो मैं इसको कहीं ना कहीं मुझे कॉर्मोंडिश फ्रेग्रेंस यू गेट अ क्रीम पॉप्सिकल क्रीमी यस फ्रेश ही लग रहा है मुझे, फ्रेशनेस भी है इसके अंदर और मुझे थोड़ा सा कॉर्मोंडिश भी लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल कॉर्मोंडिश लग रहा है, स्वीटनेस भी है इसके अंदर तो काफी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्रीमी फ्रेश वुडी और मैं भी इसको 9 रेटिंग देना चाहूंगा। या श्योर श्योर ड्रॉज यू इन। क्या ये ब्लाइंड बाय वर्दी है? आई थिंक सो। इफ यू लाइक वनीला, इफ यू आर ओके विद वनीला, देन इट इज अ ब्लाइंड बाय वर्दी। हम इसको ब्लाइंड बाय कर सकते हैं पर ठीक है, अगर आपके अवेलेबल है आसपास तो उसको ट्राई कर लीजिए, किसी स्टोर में मिल जाए डीकेंट मंगा लीजिए, खरीदने लायक फ्रेग्रेंस है, हम इसको अपने कलेक्शन में सब रखना चाहेंगे। सो गाइस नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो है इस लिस्ट में ये है वेरी पॉपुलर क्रीट का रॉयल वाटर, और ये किस किस का फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला है? सबका फर्स्ट। देयर इज अनदर क्रीट व्हिच इज दैट रॉयल वुड? रॉयल वुड यस इट इज। ओके वाओ, वेरी मैस्कुलिन, यू नो इट टेक्स यू बैक टू अ बिट ऑफ अ बार्बर शॉप वाइब। एग्जैक्टली, समथिंग यू वुड स्प्लैश ऑन योरसेल्फ आफ्टर यू नो हैविंग अ क्लोज शेव। और क्रीड की ये यूएसपी है, ज्यादातर फ्रेग्रेंस जो है इनकी फ्यूजर, बार्बर शॉप, ओल्ड मनी, इट्स गॉट सिट्रस बट आई डोंट गेट अ बर्गमॉट काइंड ऑफ एलियोरिक सिट्रस, इट्स गॉट दैट शार्प ग्रीन लाइम काइंड ऑफ सिट्रस। एग्जैक्टली वो मुझे इसमें हिट कर रहा है। सोपी हो रही है थोड़ी सी। आई थिंक देयर आर अ फ्यू अदर इटरेशंस आल्सो इन द मार्केट व्हिच आर रिलेटिवली क्लोज टू दिस, जैसे हमने बात करी थी ना, जैसे ये दिस इज मोर लाइक ग्रीन ग्रीनिश, सो ये not in the same genre but this is more masculine, less playful, very nice. Rating? It's an 8 for me. 8. Summer, spring, yeah, great, very nice, very high quality. High quality. I want him to go next. Okay, wow, typical, matlab ekdam se bahut zyada freshness aa rahi hai score karte hue. Yeah, it's like ठंडक, इसको लगाते हुए से लग रहा है कि ठंडक हो गई है। जैसे इसका नाम है रॉयल वाटर, मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे एक पानी है उसमें नींबू को डाल रखा है और उसको हम स्निफ कर रहे हैं, और उसमें थोड़े से कुछ ग्रीन लीव्स वगैरह भी डले हुए। Exactly. सही पकड़ रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने एक आइस कोल्ड वाटर से ना स्प्लैश किया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीच में है हम और किसी ने हमें या तो कोई नींबू पानी वगैरह सर्व किया है। Yes. तो मैं किसी आइलैंड वगैरह में, बिट ऑफ लेमोनेड वाइब, बट स्पाइसी लेमोनेड काइंड ऑफ थिंग, राइट? इट्स अ लिटिल शार्प स्पाइसी लेमोनेड। रेटिंग एज अ फ्रेशी I'll give it a 9.5. Even wow, better, dude. Even better than green. I'm so eager now. ठीक। Cover भाई आप try कीजिए। I'm always curious about what cover will think. I think you described it very accurately. Spicy, lemony, also a splash of water as an aftertake. And like he said, like there's a bowl full of lime and water. It's so organic. I love how this brand has done that. How long does it last? 8+ hours on skin. Really? 8+ hours. I wouldn't want this to last 8 hours on me. I would want this for 3 hours on me and then it's evening. I want to wear something else. Or 24 hours. आपके कपड़े पे 24 hours. If you deeply smell this, very deft. It does some magic on your. I'm sure it changes. Yes, it does. Rating. 10. 10 rating. पहली बार पहली fragrance है जिसको कवर बाय ने 10 रेटिंग दिया है। मैं इस फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसमें जो टॉप में आता है वो है लेमन वर्बीना। तो अगर मैं लेमन वर्बीना की बात करूं तो जो ब्रांचेज होती हैं, जो लीव्स होते हैं, उनको क्रश करके जब बनाया जाए तो वैसा इसमें नोट है। बेस नोट में इसमें ऑकमोस आता है, हल्के से स्पाइसिस भी हैं इसके अंदर। तो पहला ही जो टॉप नोट है आपने सबने जो सही पकड़ा है वो लेमन का नोट है, जो लेमन वर्बीना से आ रहा है। बीच में इसके अंदर थोड़ा सा एक मस्की है, ठीक है, मस्की फ्रेग्रेंस है ये, और टोटली मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, क्लासिक मीट मॉडर्न ऐसा फ्रेग्रेंस है ये। वेरी वेल पुट, या। और एक फ्रेशनेस है, मतलब मूड अपलिफ्टर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, एक जेनेरिक नहीं है बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस, और काफी एरोमेटिक है ये फ्रेग्रेंस, फ्रेश है पूरा। और परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया इसकी परफॉर्मेंस जो है स्किन पे 8+ आर है, द
10 घंटे भी लास्ट कर सकती है और 12 घंटे भी लास्ट कर सकती है। कपड़े पे आप लगाएंगे तो आपके 24 घंटे लास्ट करेगी, और इसके 8-10 स्प्रे अपने आसपास लगाइए, क्लाउड बना देता है आपके आसपास। और इट स्मेल्स अमेजिंग बाय द वे, क्या और इत्तेफाक की बात है, दोनों इतने डिफरेंट है नहीं, कंप्लीट लाइक दिस इज द डार्कनेस एंड दिस इज द लाइट, दिस इज ईस्ट दिस इज वेस्ट। ये ब्लाइंड बाय वर्थी है, अगर 30 प्लस से आप हैं तो ब्लाइंड बाय वर्थी है। वेरी गुड चॉइस, हूएवर गॉट दिस, इट्स यू गोइंग टू लव इट आई होप। Yeah. And thank you for this. उन्होंने ये try किया है तब buy किया है और well I think we I'm very thankful to that person for yeah. allowing us to you know sniff to waste a few sprays and it's amazing how they are in the similar direction but still so different and unique in itself. So guys अब हम last two fragrance पे आ चुके हैं, तो मैं जो second last fragrance है जो कि niche नहीं है niche नहीं है एक niche type profile niche type kind of fragrance है ये। मैंने इसको पहली बार लगाया and I walked into my dad's room and he was like what are you wearing, pura kamra bhar gaya hai, ye kya lagaya hai, and he said bahut achhi smell aa rahi hai. He has never commented on any of my perfumes. Wow. Aur us din tak to main isme thoda damadol rehta tha ki yaar mujhe itni pasand hai ya nahi hai, but then I was like yeah maybe kuch baat actually. Pehla impression jo mujhe sabse pehle aa raha hai isme ek sweetness aa rahi hai, freshness hai, sweetness hai iske andar, halka sa woody bhi lag raha hai, halka sa iske andar vanilla hai. Yes, it was at that time जब मैं लोगों को बोलता था, मैं यही कहता था, it is currently my most favorite vanilla fragrance. So ये कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, fresh, sweet, जो vanilla की है, और ऐसा मैंने मतलब ऐसा ये fragrance नहीं कि मैंने ऐसा कुछ पहले से smell किया, कुछ generic नहीं लग रहा मुझे ये, ऐसा लग रहा है कुछ अलग अलग इसके अंदर काफी fragrances का एक mix है ये fragrance, तो दो तीन fragrances का mix है। तो मैं इसको डिजाइनर फ्रेग्रेंस की कैटेगरी में, दो इज अ डिजाइनर ब्रांड कैटेगरी, जैसे मनसेरा है, मैं इसको मनसेरा जैसे कैटेगरी में इसको पुट करना चाहूंगा। मैं इसको 9.5 रेटिंग देना चाहूंगा। आप आपके आसपास के जो मॉल्स हैं, शॉप स्टॉप्स है, फोरम में अवेलेबल है, तो आप जाके इसको ट्राई कीजिए। ये ब्रियोनी ब्रांड का है, मैन इंटेंस, एंड दीस आर मेड बाय ललीक, यू नो अ लॉट ऑफ यू गाइस विल नो दैट ललीक इज नोन फॉर इट्स प्राइस एंड वैल्यू। मुझे ये लेना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरे को इतना पसंद है कि मैं शायद ये इसकी बॉटल इस महीने तक मैं ले लूंगा। मैं भी लेना चाहूंगा इसको, ये मेरे टाइप का जॉनर है, मैं इसे 10 out of 10। But please tell us, what do you smell? You are saying you like it, you are saying you like it. What do you smell? You said a few things, yes. मुझे इसमें exactly ललित भाई ने जो बोला था, इसमें थोड़ी फ्रूटी वाइब्स भी आ रही है। फ्रूटी है। फ्रेशनेस भी आ रही है। इसमें आपको जो पसंद है ना ग्रीन एप्पल, वो इसमें है। ओके। ग्रीन एप्पल इसमें प्रोमिनेंट है। तो 10 रेटिंग दिया मैंने, 9 रेटिंग दिया, और देखते हैं कवर भाई का। Pretty industrial hai, but I like industrial sometimes. What do you mean by that? Industrial means it has a bit of synthetic come up, you know, jaise makeup mein hota hai na, but bahut sare isme wo aa rahe hain rukh. Mostly I sense spicy, you know, very friendly, very very sexy, very sensual. Yes. Yes. Notes. It's very upmarket. Yeah. 8 on 10. Why not? 8 on 10. Yeah. Why not? Yeah. Very good. You open with that boozy citrus, then you are hit with that green apple kind of freshness and a little bit of tartness. और उसके साथ वो vanilla आ जाता है उसको एकदम से back देने के लिए. और फिर थोड़ी देर बाद आगे आता है oud. Oud. इसमें oud है. इसमें oud है. Wow. इसमें oud है. अगर आप इसको skin पे try करेंगे तो आपको थोड़ी देर में पता लगेगा. So what? Like he said, it is very sensual. The first time when I wore it, I was like, okay, this is very sensual. And the beauty is that this is serious. At the same time, it is playful. Yeah, you are right. Playful or serious at about the same time. About this oud, skin pe mujhe aa raha hai. So it's kind of unique. It might not be for everyone. I think it's for. Is it the most paisa vasool thing on this table? Yeah, I would say. Yeah, that's right. Value for money. I would say this is a classic. Very good quality. Because bottle, you get a magnetic cap. I would probably buy this also. I would probably buy this and the Roy. Sir, आप ब्रियोनी का brand ambassador बन गए हो, आप नहीं मिलेगी। I have actually worn it on a date night and I've got fantastic feedback on a date night. Exactly, ये date nights के लिए बहुत अच्छा fragrance है। बहुत जबरदस्त date night। और आप इसको, this is a three season fragrance. Yeah. It's not necessarily very versatile, I guess this. Yeah. Maybe peak summers आप कहोगे चलिए यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ, but me rating I give it a 9. Probably it's a 9. 9, 10 and you 8. But in some cases you might have to allow this to grow on you. सो गाइस हम लास्ट फ्रेग्रेंस की तरफ आ चुके हैं, और अभी हम ये भी देखेंगे लास्ट में ये जो 10 फ्रेग्रेंस है, अगर एक पिक करना हो तो हम कौन सा पिक करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। यस, वन फॉर लाइफ इन सब में से। सो गाइस ये जो फ्रेग्रेंस है ये
वैभव लाए हैं और ये है अरेबियन ऊद का अमीरी। फ्रेश आ रही है मुझे इसमें, हल्का सा फ्रेशनेस है, बर्गमो आ रहा है मुझे इसमें, वुडी लग रहा है मुझे, हल्का सा इसके अंदर मिडिल ईस्टर्न टच है। पसंद नहीं है आपको लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे इसका कुछ वाओ नहीं लग रहा, जैसे मैंने अभी इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, मतलब मैं इसको खरीदना नहीं चाहूंगा, मैं इसको 6.5 दूंगा। मे आई? या श्योर, थैंक यू बडी। और ये इसकी बॉटल है गाइस, डोंट बी फूल्ड, इस बॉटल को बहुत कॉपी किया गया है यूएस वगैरह में, चीप बॉटल का इसका बहुत ही हैवी बॉटल है, मुझे लगता है 1 किलो का है, होल्ड इट इज वेरी हाई क्वालिटी, और मैग्नेटिक कैप है इसका, देखिए प्लीजिंग फ्रेग्रेंस है, स्वीट फ्रेग्रेंस है, वेरी हंबल फ्रेग्रेंस, वेरी क्लीन आल्सो, दिस इज वे हायर क्वालिटी, या इट इज, सो इफ यू लाइक मर्ज और आपको लगता है कि वो थोड़ा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, यू नो लाइक यू सेड कि इसमें वो वाओ फैक्टर नहीं है, बट which makes it a good inoffensive everyday safe fragrance, it's a safe fragrance with a bit of twist, yeah, you know safe usually you get in my blue fragrances are safe, this is not blue but it is safe and thodi fruity bhi, ab isme thoda fruitiness aa rahi hai, quality kaisi lag rahi hai aapko? Quality is very good, very high, it's a little fruity, it's alluring, I think isko aap skin pe agar try karenge mujhe aisa lag raha hai to isme kafi facets iske nikal ke aayenge, correct, correct rating, I would give it a 7.5 we are spoiled by choices, aur aapne kitni rating 7/10 but a good 7/10, oh vaibhav ki ye bottle hai to vaibhav apne experience batayenge, yeah vaibhav you worn it a few times, yeah. I think if I the more I wear it the more I'll start, yeah, liking it maybe, and mere ko ye Dior Sauvage ka niche version lagta hai, right. Kyunki iska iski jo quality hai thoda aap skin pe laga kar ke dekho iski citruses, मैंने आज तक कोई ऐसे फ्रेग्रेंस नहीं है जो मैंने कितने नीच क्वालिटी के सिट्रसेस फील किया, स्ट्रांग फ्रेग्रेंस, आई लाइक द एटमाइजर, एटमाइजर इज वेरी, या वेरी स्मूथ, क्या आप इसको ब्लाइंड बाय करना चाहेंगे? आई वुड से यू कैन ब्लाइंड बाय, ओके वेरी सेफ, यू माइट नॉट बी वाउड बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हेट इट, या आई वुड नॉट ब्लाइंड बाय, ओके अब हम चारों एक फ्रेग्रेंस पिक करना चाहेंगे जो हम पिक अपने कलेक्शन में रखना चाहेंगे, सिर्फ एक फ्रेग्रेंस जो हमें सबसे अच्छा लगा है, और मुझे लगता है काफी टफ होने वाला है सबके लिए, कोई दो नहीं, सिर्फ एक फ्रेग्रेंस पिक करना है, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आशीष भाई से, यस ओके, दिस माइट नॉट बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड चॉइस बट इफ आई वर टू चूज ओनली वन आउट ऑफ ऑल दीस इट विल एक्चुअली बी दिस वन दैट आई जस्ट ट्राइड, अमीरी, इसकी अगर मेरे पास एक ही फ्रेग्रेंस है आई वुड वांट इट टू बी अ लिटिल मोर मेलो, I would not want it to be in my face. I would not want it to have a lot of character. कि मैं यही देखूं कि जब मैं इसको लगाता हूं तो मैं यही करना चाहता हूं. मैं दिन में कहीं जाना चाहता हूं या मैं सर्दियों में कहीं जाना चाहता हूं. This would be 24/7, 365 kind of fragrance. Yeah. Okay. Wow. And a lot of these days, as I was saying, a lot of times I am in the mood where I do not want to wear a fragrance, but I still want to wear a fragrance. Okay. So because this is subtle, this will fit into my that entire fragrance kind of mood. ओके मैं वैभव से जानना चाहूंगा अगर एक फ्रेग्रेंस पिक करनी हो तो कौन सा पिक करेंगे इन सब में से? मेरे लिए बहुत टफ है क्योंकि मैं एक अगर मेरे को सिर्फ एक चॉइस दिया जाए तो मैं तो इस आइदर दिस दिस वाज माय सेकंड ऑप्शन इन माय हेड नो ओनली वन एक ही बात है एक है ओनली वन आई लाइक दैट ओनली वन तो ग्रेट चॉइस ग्रेट सो अगर वैभव इन सब में से व्हाई क्योंकि एक तो मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है और उसकी क्वालिटी मुझे जो मेरा एक तरह से पर्सपेक्टिव है फ्रेग्रेंस को लेके कि भाई फ्रेग्रेंस लगा करके मैं अलग ही स्पेस में चले जाऊं जो एक रिलैक्स जोन में चले जाऊं कोई काम की टेंशन नहीं कोई कुछ नहीं right. इसको लगा करके मेरे को वैसी फील आ रही है okay. कि मैं अभी कभी घर पर भी इसे लगाऊंगा लवली वर्ड्स आई एग्री तो मेरे को आई विल बी हैप्पी ओके हैप्पी सो वैभव जो इन सब में से फ्रेग्रेंस पिक करेगा एक वो है क्रीट का रॉयल वाटर और अब मैं नो आई वांट यू टू गो फर्स्ट प्लीज ओके कम ऑन गिव हिम द स्टेज ओके सो अगर मैं अपने लिए एक फ्रेग्रेंस पिक करूंगा जो बहुत मुश्किल है हम एक पिक कर रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन सा फ्रेग्रेंस इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फ्रेग्रेंसेस बेकार हैं सारी फ्रेग्रेंस हमको अच्छी लगी हैं तो अगर मैं एक पिक करना चाहूंगा अपने लिए वो मेरे लिए होगा वो जेर्जोफ का नेक्सॉस और इसका मतलब मैं क्या बोलूं मतलब एक प्यार है इस फ्रेग्रेंस से कुछ ना कुछ इसमें मुझे वाओ लगता है अट्रैक्टिव लगता है एडिक्शन
जैसे आपको एडिक्शन है, मुझे भी इसका एडिक्शन है, नशा है इसका फ्रेग्रेंस का, मुझे भी समझ नहीं आ रही अभी तक और क्यों मुझे है वो। मुझे ये मतलब वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस लगता है काफी, मैं इसको पूरे साल में पहन सकता हूँ और ओकेजन पे भी मैं इसको ज्यादातर ओकेजन पे इसको पहन सकता हूँ। हाई क्वालिटी है और मुझे ज्यादातर टोबैको का नोट बहुत पसंद है जिसमें प्राइमरी नोट नहीं है, इन योर फेस नहीं है, काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। तो मैं अपने लिए जो पिक करूंगा वो जेरचॉफ का नेक्सॉस पिक करूंगा। एंड फाइनली आई वुड पिक क्रीड रॉयल वाटर। मुझे लगा था मैं एक ही बंदा होऊंगा जिसको पिक करेगा, बड़ा कूल बनूंगा, बट फॉर्चुनेटली वेबर एंड आई बोथ द कूलेस्ट गाइस, यू नो, दिस इज आई डोंट नो व्हाट इट इज। मैं अगर डिफाइन कर दूं तो मैं परफ्यूमर बन जाता, बट मैं डिफाइन नहीं कर सकता व्हाई आई वुड पिक दिस। इट्स जस्ट सो क्लासी। सो जिन्होंने ये परचेज किया है, बहुत अच्छी चॉइस है उनकी, शॉकिंगली गुड क्वालिटी। यस, आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सबको कि आपने अपना टाइम निकाला और अपना जो एक्सपीरियंस है, अपनी जो नॉलेज है और अपने भी फ्रेग्रेंसेस लेकर आए आप। हमने भी काफी कुछ एक्सपीरियंस किया, मैंने, हम सब ने इंडिविजुअली काफी कुछ नई चीज एक्सपीरियंस की। तो मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये मेरे ऑफिस में शूट हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है जो नोएडा सेक्टर 8 में आप अवेल कर सकते हैं। मेरे ऑफिस का नाम अमीगो है, हम ऐसे कॉन्फ्रेंस रूम्स देते हैं। सो शेमलेस प्लग, हमारी लोकेशन लीक कर दी गई है। सो मैं आपका जो ये लोकेशन है मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई फ्रेग्रेंसेस पसंद आई है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं परचेज करने के लिए। अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए और आपको किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस की मतलब क्लैरिटी चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये बजट है कौन सा फ्रेग्रेंस लेना चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक मैं हेल्प करना चाहता हूँ। अब तक मैं आपको बोलता था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मुझे लगता है वो काफ़ी लेजी होता है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं वो चीज़। तो मैं एक नंबर लेकर आया हूँ, मेरे जो सेलर ने, मैंने उनसे बात की है कि ऐसे ऐसे होता है, वो मुझे कनेक्ट करते हैं फिर आपको कनेक्ट करते हैं और वो काफ़ी बिजी रहते हैं। तो मैं ये नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं उन सेलर की, उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप इनमें से कौन सा परचेज करना चाहेंगे, तो हमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिस तरीके से हम आगे भी आपके And do let us know if you would like to see something in a different kind of format. Okay. We will take our time. Thank you so much. We will do something else again. Thank you so much. Thank you, Lalit, again. Thank you all. और guys, हम मिलते हैं next video में कुछ नई fragrances के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशबूदार रहिए।